एक पार्क में दो बुजुर्ग बात कर रहे थे। पहला, मेरी एक पोती है, शादी के लायक है, बीएड किया है, नौकरी करती है, कद 5 फुट 2 इंच है, सुंदर है, कोई लड़का नज़र में हो तो बताइएगा। दूसरा, आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए? पहला, कुछ खास नहीं, बस लड़का एमए एमटेक किया हो, अपना घर हो, कार हो, घर में एसी हो, अपने बाग बगीचा हो, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, कोई 1,00,000 रुपए तक हो। दूसरा, और कुछ? पहला, हाँ सबसे ज़रूरी बात, अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए, वो क्या है लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरे बुजुर्ग की आंखें भर आई, फिर आंसू पोंछते हुए बोला, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं हैं, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1,50,000 सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। पहला, तो करवाओ ना रिश्ता पक्का। दूसरा, मगर उस लड़के की भी यही शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन या कोई रिश्तेदार ना हो। कहते कहते उनका गला भर आया, फिर बोले, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है, आपकी पोती की शादी उससे हो जाएगी और वो बहुत सुखी रहेगी। पहला, ये क्या बकवास है, हमारा परिवार क्यों करे आत्महत्या, कल को उसकी खुशियों में दुख में कौन वे उसके साथ वे उसके पास होगा। दूसरा, वह मेरे दोस्त, खुद का परिवार परिवार है और दूसरे का कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ, घर के बड़े घर के छोटे सभी अपनों के लिए जरूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी नीरस बन जाएगी। पहले वाले बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों, परिवार है तो जीवन में हर खुशी खुशी लगती है, अगर परिवार नहीं तो किससे अपनी खुशियाँ और गम बांटोगे। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।